अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल 21 क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब यहां पे आपको फंक्शन ये दिया हुआ है और ये कैसा फंक्शन दिख रहा है, तो ये रैशनल फंक्शन दिख रहा है ना। इसमें ऊपर एक अलग है ये और नीचे भी अलग एक अलग वैल्यू है, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप हो रहा है। और अब मैंने आपको रैशनल फंक्शन में कुछ बातें बताई थी कि रैशनल फंक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो फंक्शन जो आउटपुट देगा वो नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा, है ना। और नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा तो वो कोई इमेज होगी नहीं, तो इसलिए वो फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए डिनोमिनेटर में क्या बोला था, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमें अब वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिस वैल्यू पे ये डिनोमिनेटर हमें जीरो हो सकता है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। ऊपर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वैसे का वैसा छोड़ दो, ठीक है। ऊपर जीरो भी अगर हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं, जीरो अपॉन समथिंग क्या होगा, जीरो ही होगा। एंड जीरो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो तो नंबर है कोई। तो इसको हम पहले स्प्लिट करते हैं, तो ये स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4 का फैक्टर, तो 4 ये माइनस 4x और माइनस x और प्लस में 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 तो ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4, इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 5 और अपॉन में x माइनस 4 और x माइनस 1। अब देखिए ध्यान से, अगर यहां पे मैं 4 डाल दूं तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो मल्टीप्लाई कुछ भी क्या होता है, जीरो। और रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में, किसी भी रैशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, इट मींस वो नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा, है ना। तो एक तो हमारा ये बात समझ में आ गई कि एक्स कभी भी हमारा नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात और देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए इसमें अगर एक्स की वैल्यू 1 डाल दूं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो अगेन हो जाएगा। और जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करें, जीरो हो जाएगा टोटल। रैशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर में अगर हमने जीरो डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड आउटपुट देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये भी गड़बड़ है। तो इसीलिए आपका एक्स 1 भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई कि इसका जो एक्स, जो डोमेन मतलब जो इनपुट होगा, डोमेन क्या था, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, तो वो क्या होगा, वो कोई भी दुनिया का नंबर दे दो, कोई भी दुनिया का नंबर एक्सेप्ट दीज टू नंबर्स, ठीक है। क्योंकि इन दो नंबर पे क्या दे देगा, ये आपको एक नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा, जिससे कि क्या होगा, फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो वायलेट कर जाएगा। तो इसीलिए डोमेन इसका क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर चलेगा, है ना। तो कोई भी नंबर हमारा रियल नंबर के आता है अंदर, और उसमें से हम क्या माइनस कर दें, सिर्फ ये दो नंबर 1 और 4, ठीक है बच्चों। तो रियल नंबर माइनस दीज टू नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा, सिंपल सी बात।